जय मस्तु तम च नंदयानंदि चेनि नंद शहा परमित पद विंदप नमियो सिद्ध शोहा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहका तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो तु जिन वरी हर थतियरित जो भय विनाश भव जो मन ममलि ज्ञान पर लो गुरु को धर्म को शांति को वारंबार नमस्कार श्री कमलवती सिंह ग्रंथाधिराज जी तत् च परं ततत् परम पाप परम भाव धृषी परम जिनं परमिष्टी नामामि यं परम देवदि देव भुवशी नमः सिद्धं परम आरा वाचिंग वाणी शत गुरुतारण स्वामी और सार्वज्ञ परमात्मा के अमृत रस के अंधारा यह श्री कमलवती से ग्रंथ आदि राज जहां आचार्य श्रीमंत जिनतारण स्वामी कमल स्वभाव में ही आचरण करने की प्रेरणा दे रहे हैं भैया है। और एक ही उपदेश है गुरु महाराज का एक ही सत्य कह रहा है भैया क्या कि जीव अपने जो कमल स्वभाव है उस कमल स्वभाव का अनुभव कर ले भैया देखो कमल स्वभाव का अनुभव कर ले ये बात तो अपन सभी सुनते हैं भैया लेकिन कमल स्वभाव का अनुभव करता कौन है ये बात है बस क्योंकि आचार्यण स्वामी ने कल भी चर्चा करी थी भैया गुरु महाराज का कहना है कि चिदानंद चिंतमनम चयन आनंद सहाव आनंदम ये बात तो स्पष्ट है कि जो ज्ञानी साधक जो श्रावक जो आत्मार्थी जीव जो आपको अपने आप को आप जैसा मानते हो जो अंतरात्मा अपने चिदानंद स्वभाव का चिंतन करता है चिंतवंदम अर्थात जो अपने चैतन्य स्वभाव के आनंद में रत है क्योंकि चैतन्यता का आनंद आना है तो दो बातें हैं एक स्वभाव है अपना अनादि अनंत जो अनादि से है भैया और दूसरा है विषय भैया देखो प्रत्येक जीव आनंद को खोज रहा है ना तो दो प्रकार के आनंद भैया एक जनित जिसको जीव हिंसा नंदी नंदी मिशा नंदी मिशानंदी आब्रह्मानंदी परिग्रह नंदी, नंदी कह लो आप चाहे वहाँ जीव को दो प्रकार के आनंद महसूस हो रहा है भैया दो प्रकार की आनंद की अनुभूति जीव कर सकता है एक पहरमों का उपयोग होने से दुर्ध्यान से आत्रोध्यान से एक तो जीव क्या कर सकता है भैया एक तो इंद्री आनंद को आनंद मान सकता है क्योंकि आनंद आनंद का उदय होना है जीव की मान्यता से आनंद का जन्म होना है मानने से जीव मानता क्या है जीव की मानने मान्यता में क्या है भाई देखो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मैं आपसे आज क्या बात कर रहे हैं सामान्य विषय बिल्कुल आपको आपको आपके अनुभव से प्रमाण करने योग्य बिल्कुल सामान्य विषय क्या भैया आनंद मान्यता का है भैया मानने में आनंद है क्या मानेगा भैया जी यदि ये जीव भौतिक विषय संपत्ति में अपना अपना सुख स्वीकार कर ले मान्यता कर ले भैया इंद्रिय विषय भोगों में सुख है तो इसकी विपरीत मान्यता से इसकी विपरीत श्रद्धा से इस जीव को पुण्य के उदय में जो भोग विलासता में जो सुख आता है वो सुखी से अपना सुख लगने लगेगा भाई अच्छा बताओ नरक में नार की एक दूसरे को मारने में ही सुख महसूस करते हैं हिंसा में ही आनंद महसूस करते हैं भैया अब हिंसा में आनंद है क्या भैया जो सामने वाला जीव को मार रहा है उसे दुख तो हो रहा है लेकिन वो 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 भी सामने वाले को मार रहा है एक दूसरे को मार रहा है एक दूसरे को काट रहा है तो भैया में आनंद की अनुभूति कर रहा है आनंद तो है ना उनके लिए तो आनंद ही है तो क्या कहाँ आनंद महसूस हो रहा भैया जहाँ जीव अपने आप को मान रहा है जैसी जीव की मान्यता है उस मानता अनुसार वो अपने आनंद का निर्धारण करता है आनंद है नहीं लेकिन जीव ने माना है इसलिए वो आनंद का वेदन कर रहा है अपने को यही बात बहुत अच्छे से अपने जीवन में लागू करना है कि बताओ जीव ने स्वयं महा नरकों में जाके जीव ने उस एक दूसरे को मार काट में आनंद मान लिया हिंसा नंदी में रोद्र ध्यान में आनंद मान लिया और आज अपन देखो आज भी अपन जीवों की प्रार्थना करने में हिंसा करने में चोरी की कथा सुनने में जिन भगवान की बच्चनों की चोरी करके व्यर्थ की कथाएं करने में भैया ब्रह्म में हिंसा हिंसानंदी चोरी आनंदी नंदी झूठ बोलने में असत्य भाषण करने में मायाचारी इसमें रथ होके असत्य का पोषण करने में अपन भी इन इंद्रीय विषयों में आनंद मान रहे ना आनंदित तो हो ही रहे ना भैया अच्छा बताओ यदि आनंद नहीं आ रहा तो क्रोध क्यों कर रहे हो यदि आनंद नहीं आ रहा मायाचारी क्यों कर रहे हो आनंद नहीं आ रहा तो झूठ क्यों बोल रहे हो आनंद नहीं आ रहा तो बी कथाएं क्यों सुन रहे हो यदि आनंद नहीं आ रहा तो ये पाप परिग्रह का सारा पसारा क्यों भैया आनंद आ रहा है कितने ही दुख क्यों ना हो कितनी वेदना क्यों ना हो लेकिन भैया आनंद की अनुभूति हो रही है ये कौन सा आनंद की अनुभूति हो रही है के इंद्रिय आनंद की अनुभूति हो रही है साता वेदनी का उदय हो तो वैसी अनुभूति हो रही है वेदनी का उदय हो तो शरीर में प्रदेशों में शरीर के से होने वाली पीड़ा पीड़ा का वेदन भी हो रहा है और मन की मान्यता के अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है तो आनंद कहा से प्रकट हुआ भैया कहा से आया ये आनंद मान्यता से कौन सी मान्यता से भैया कैसी मान्यता से आया ये आनंद आया अपनी मान्यता से क्या मानने से आया भैया संसार में कसायों में आ, क्या बोलते हैं पुद्गल परिणामों में एकत्र करने से वो आनंद निकल के आ गया भैया जबकि आनंद का स्त्रोत आत्मा है आनंद सुख दुख का अनुभव करने वाला यह आत्मा है भैया सुखी दुखी होने वाला यह आत्मा है सुख दुख जो वेदन करता है वो आत्मा है लेकिन भैया इस आत्मा ने स्वयं अपनी ही मान्यता से अपने ही उपयोग से इसने उन विकारी परिणामों में क्रोध में काम में हिंसा में चोरी में ए, असत्य में और क्या बोलते हैं आभ्रम में इंद्रियों में आनंद को स्वीकार कर लिया भाई बताओ जहां दुख है जहां कलेश है वहा आनंद स्वीकार कर लिया जीव ये है जीप की मान्यता का कमाल अब इसी जीव को आ, क्या बोलते हैं गुरु महाराज कह रहे हैं चयन आनंद सहाव आनंद यह जीवात्मा चैतन्य के आनंद से भरा हुआ तेरा स्वभाव है चैतन्य के आनंद से परिपूर्ण तेरा वीतराग स्वभाव है तू चयन आनंद में अर्थात तू अपने चैतन्य के आनंद में आनंदित रहे क्योंकि चिदानंद में तू आत्मा है चिदानंद स्वभाव का चिंतन कर और चिदानंद स्वभाव का चिंतन करके चैतन्य के आनंद में आनंद देते रहे भैया ऐसा आचार तारण कह रहे हैं अब बताओ गुरुदेव जो कह रहे हैं वो चैतन्य का आनंद आएगा कैसे पुदगल का आनंद अपन कह रहे थे कसाय का आनंद अपने को मालूम कैसे आएगा इंद्री विषय वासना का आनंद अपने को पता कैसे आएगा अपन महासुख मानेंगे उन कसायों में क्रोध में राग में देश में महा अपन सुख की धारणा करेंगे और अपना पूरा उपयोग महारद्ध कर देंगे भैया दुख में भी आनंद आएगा भैया जी कहिए भगवान जी यदि इतना ज्ञान हो जाता तो वहां विभंगा ज्ञान क्यों कहलाता विपरीत ज्ञान क्यों कहलाता वहाँ इतना ज्ञान हो जाए इसलिए तो कहते हैं द्रव काल क्षेत्र भाव अनुसार परिणाम होते हैं वो जो नर्क का वातावरण है वहां इतने विशुद्ध परिणाम आने की ही नहीं है नहीं तो हमने आपको कितने बार समझाई ये बात भगवान जी कर्म का उदय कैसे भोगता है जी जिस जिस कर्म का उदय होता है वैसे ही जीव के परिणाम बनते हैं तभी तो कर्म का उदय आता है यदि जैसा कर्म का उदय हो और वैसे परिणाम ना हो तो फिर कर्म का उदय कहाँ से आएगा भैया कर्म का उदय कहाँ से आता है कैसे आता है जैसा जैसा कर्म का उदय वैसे जीव के परिणाम होने लगते हैं तो कर्म का उदय आता है भैया तो वहां जीवों के परिणाम ही वैसे बनते हैं तभी तो नर्क है वहा ज्ञान काम करेगा वहां ज्ञान काम कैसे करेगा महा राजा जीव है भैया तो क्या राजा जीव मार काट नहीं कर रहा होगा क्या उसे कोई मार मार काट काट रहा 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 नहीं होगा सब हो रहा है भगवान जी लेकिन वहां की वेदना से भिन्न में गायक तत्व ये प्रती अलग है भैया द्रव काल क्षेत्र भाव अनुसरूप परिणाम तो होंगे ही इसलिए तो कहते हैं भगवान जी कि कर्मों का भाव कर्म का भी करता मैं नहीं हूँ औदायिक भाव भी स्वतंत्र है इतनी सी बात तो अनुभव का विषय बन जाए तो ये पूरा जगत भिन्न हो जाए ये पूरी तुलो, ये पूरी सृष्टि भिन्न भिन्न जानने में आ जाए भाई कि कि क्या की कर्मों का जैसा उदय होगा वैसे परिणाम चलेंगे नरक नरक में जाओगे तो जैसे परिणाम चलेंगे जैसा जैसा काल क्षेत्र पर वैसे भाव बनेंगे भैया इसलिए तो कह रहा है पंचम काल में जन्म लिया है अनाचार मायाचारी की भावना आएगी आएगी लेकिन फिर भी जो पुरुषार्थी जीव है धर्म मार्ग में चलने वाले जीव हैं वो अपना मार्ग बदलेंगे भैया वे संयम समता और आत्मबल जगा के अपने मार्ग को बदलेंगे इसलिए कि द्रव काल क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है भाव का पूरा प्रभाव पड़ता है भैया क्यों? कर्म मुझे वैसे बंधे होते हैं ना जब तो तुम जन्म लोगे आप और जहां जन्म लोगे वैसे भाव चलेंगे वैसे क्रिया चलेगी वैसे संयोग चलेगा क्योंकि बांधे हुए कर्म आपके हैं ना आप कैसे बच सकते हो तो वहां कोई विवेक नहीं रहता भैया बस भेद ज्ञान हो सकता है लेकिन विवेक नहीं हो सकता तो अपन अपन कहा थे? तो थे कि कैसा ये जीव कैसा सुख मान रहा है इन सब में नारकी कसाय के परिणामों में सुख मान रहा है भैया लड़ने में मारने में काटने में एक दूसरे को भैया पीड़ा देने में सुख मान रहा है भैया इसे देखो कर्म का उदय और अपन यहाँ क्या कर रहे हैं अपन भी तो नारकी जैसे ही सुख मान रहे हैं किसी ने क्रोध किया तो क्रोध कर दो किसी ने मारा तो मार दो किसी ने अपना अनिष्ट किया तो अनिष्ट कर दो यहाँ ईट का जब जवाब पत्थर से तो अपन सुख का मान रहे हैं सुख अपन भी तो जैसे नारकी की मान्यता है कलेश परिणामों में सुख मानने की वैसी कले में राग में देश में सुख मानने की अपनी भी तो मानता है भगवान जी वो नरकों में मान रहा है और अपन यहां मान रहे हैं बात तो एक बराबर है ना अंतर कहाँ है कोई अंतर नहीं है भैया सेम टू सेम स्थिति है तो अब क्या कहना चाह रहे हैं भैया अपन क्या समझना चाह रहे हैं यहाँ बैठ के कि मान्यता का सुख है उसे नरकों में हिंसा में मान्यता का सुख है नरकों में या फिर कहीं भी आज भी अपने क्रोध काम ये परिणाम सुख का है थोड़े ना आत्मा में अनंत कलेश पैदा करने वाले लेकिन आज भी क्रोध काम विषय विकार में अपने को सुख की मान्यता भैया ये मान्यता अपने को सुख दे रही है कि आह हा कितना आनंद आ रहा है हमने सामने वाले को दो बार सुना दी तो कितना सुख आ रहा है भैया कितना सुख आ रहा है कितना आनंद आ रहा है तो ये जो आनंद है ये कसायों में अपनेपन का आनंद है भैया कसायों को सुख का साधन मानने में आनंद है पर पुद्गल को सुख में सुख का साधन मानने में आनंद है भैया अब 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 गुरु महाज क्या कह रहे हैं भैया चिदानंद चिंतवनम हे जीवात्मा चिदानंद स्वभाव को चिंतवन करो क्यों क्यों करें गुरुदेव क्योंकि चैन आनंद स्वभाव आनंदम क्योंकि चैतन्य के आनंद में रहोगे चेतन में आनंद स्वभाव का चिंतन करोगे तो स्वभाव आनंदम भैया उसका स्वभाव ही आनंद रूप है तुम चिदानंद का चिंतन करके अपने आनंद में रत रहो ना क्यों व्यर्थ की संसार की चिंता में उलसते हो क्यों कसाय में आनंद मानते हो क्यों विषय में आनंद मानते हो तब गुरुदेव से कहा गुरुदेव हमें तो अभी सुख इन इच्छाओं में वासनाओं में क्रोध में काम में मायाचारी में इनमें सुख दिखाई दे रहा है हमें तो संसार में सुख दिखाई दे रहा है तो कहना भैया पहले तुम यहां तुम्हें, तुम्हें मान्यता कहाँ है तुम ये बताओ तुम अपने आप को मानते क्या हो तुम्हें सुख कहाषित हो रहा है गुरु कसायों में पदगल में तो कह बस आनंद तो वहीं आएगा ना क्योंकि जो अपने आप को मानोगे जहाँ की मान्यता रखोगे सुख तो वहीं आएगा ना सुखी तो तुम वहीं होगे तो क्या करना भैया कहें चैतन्य का आनंद लूटना भगवान जी काय का आनंद लुटना भैया चैतन्य में ज्ञान घन पिंड अपने गायक तत्व का आनंद लेना है चैतन्य के परम आनंद में डूबना है चैतन्य में आत्मा परमात्मा में परम आनंद स्वरूप हूँ उस आनंद में खोना है भैया तो पहले ये बताओ कि भगवान जी चैतन्य हूँ मैं ऐसी मान्यता भी है या नहीं तुम्हारे हृदय में मैं चैतन्य ज्ञान घन पिंड गायक परमात्मा हूँ ऐसी शुद्ध मानता है या नहीं तुम्हारे अंदर में ऐसा शुद्ध विचार है या नहीं तुम्हारे अंतर में तुम मानते हो नहीं मानते क्या आत्मा सुख है कहने लगे पहले तुम अपनी मान्यता पलटो तो मानता इस जड़ अचेतन में कसायों में विषय राग में इन औदायिक भावों में इन कर्म उदय जन परिणामों में इनमें सुख नहीं है ऐसी पहले अपनी श्रद्धा आस्था को उठाओ यहाँ से उठा के ले जाओ अपनी आस्था को कहा ले जाओ कह लगे चिदानंद का चिंतन करो कि मेरे चेतन स्वभाव में सर्वत् सुख है भैया पहले तो मान होता तो है ऐसा माने कैसे अनुभूति में नहीं आ रहा कैसे मान ले अरे भगवान जी पहले अपने उपयोग को श्रद्धान के बल पे मान्यता के बल पे अपने शुद्ध उपयोग के पास या अपने अंत आत्मा के निकट लेके तो जाओ तुम जैसे ही निकट लेके जाओगे तो वो आत्मा में आनंद की ज्ञान आनंद की अमृत की वर्षा हो जाएगी जैसे ही ज्ञान आनंद की वर्षा होगी ना तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा देखो 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 कसाय तो महादुख का साधन है कल अपन ने कितनी अच्छी से पूरी चिंतन करके अपन ने मंथन किया था क्या कि इस संसार में तो प्रत्येक जीव इंद्रिय विषय के आघोष में डूबा हुआ अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है लेकिन भगवान आत्मा देखो तो देखो तो सर्वत्र सुख और सर्वत्र आनंद तो मेरी निश्चेतना में है कितना अलौकिक शुद्ध द्रव है मेरा भगवान जी जो सिदानंद के आनंद से भरा हुआ कितनी आनंद में में मेरी शक्ति है कितना आनंद में में मेरा स्वरूप है कैसा परम आनंद में मेरा वीतराग स्वभाव भैया आनंद चित्तवंदम चैन आनंद सहा आनंदम कैसा आनंद में स्वरूप भैया अपना कभी इसका बोध आता है कि आनंद 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 ये मान्यता आपकी यहां से उठे आप अंतर हृदय से स्वीकार कर लो कि आहा, देखो तो तारन स्वामी की आज्ञा चिदानंद भव्यात्मा गलत उल्टी विपरीत मान्यता का त्याग कर दो हे ज्ञानी हे जीवात्मा विपरीत मान्यता का त्याग कर दो और क्या मान लो भैया कि चैतन्य के आनंद से मेरा स्वरूप भरा हुआ है। उल्टी मान्यता को त्याग तो भगवान आत्मा और भैया देखो जब तक अपन अपने उपयोग को इन पर वस्तुओं से पलट के अपने चैतन्य स्वभाव के चिंतन से नहीं जोड़ेंगे तो जब तक वो आनंद उपलब्ध भी नहीं होगा जो आनंद यहाँ सुंदर है ना भैया गुरु महाराज की गाथाओं में ज्ञानी गुरुओं के चिंतन में आचार्य तारण स्वामी के इस अनमोल चिंतन के जो अनुभव में मोती ये आपको सुनाई दे रहा है वो वो मोती आपको आपको तभी अनुभव में आएंगे जब आप अपनी मान्यता को उल्टी मान्यता को पलट दोगे भैया विपरीत मान्यता को पलट दोगे तो वो मोती अनुभव में आएंगे भैया ज्ञान में मोती अंतरात्मा की सहज स्वीकारता की देखो 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 देखो, देखो। गुरुदेव की बात कितनी सहज और कितनी सरल है कि हे जीवात्मा मोक्ष मार्ग कमल भाव का अनुभव करना है ज्ञायक तत्व का अनुभव करना है तो चिदानंद चिंतवन का कितना सरल मार्ग है कि हे जीवात्मा अपने चिदानंद स्वभाव की ज्ञान में पुष्टि करके चिदानंद में आत्म स्वभाव का चिंतन और मंथन करते हुए उस परम आनंद सरोवर में डूब जाओ इतना सरल मार्ग भैया और एकदम शुद्धता से कह रहे एकदम शुद्धता से कि ऐसा चिदानंद में ज्ञान घन तुम्हारा स्वरूप है और भगवान जी तुम अपनी मान्यता इस जगत के प्रपंच से इस झूठे जगत के मायाचार से उठाओ और एक बार तो अंतर आत्मा से कहो आहा हा 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 देखो देखो, देखो चिदानंद में, में मेरा आत्मा है एक बार मानो तो भगवान जी तुम ऐसी मान्यता करोगे ना तो तुम्हारा उपयोग तुम्हारे पास आ जाएगा अच्छा मेरा उपयोग अभी बाहर है क्या अरे आत्मा का उपयोग तो आत्मा में ही है लेकिन आत्मा में होते हुए भी आत्मा की शक्ति उपयोग उपयोग होते हुए भी वो आत्मा की ओर नहीं रहा बस पलट नहीं रहा आत्मा आत्मा का उपयोग कहीं से बाहर निकल के थोड़ी भागता आत्मा का जो उपयोग है वो आत्मा को छोड़ के कहीं थोड़ी जाता तो भैया जब आत्मा का उपयोग आत्मा को छोड़ के नहीं जाता तो अपने को आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही भगवान जी आत्मा का उपयोग आत्मा को छोड़ के कहीं नहीं गया फिर भगवान आत्मा हमने अपने उपयोग को अपनी ओर मोड़ा नहीं कभी इसलिए आत्मा को कभी आत्मा का आनंद नहीं आया आत्मा को आत्म सुख नहीं मिला कभी सुख 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 किसका सुख आत्मा का सुख भैया चैतन्य का सुख ये जो कुछ भी कर रहा है ना भैया जो कुछ हो रहा है जो कुछ भी चल रहा है वो सब सुख के लिए है भैया लोग पैदल चल रहे हैं किस लिए सुख के लिए कल कल चले आज चलेंगे किस लिए भैया कहाँ आरोहण करना चाह रहे आप तो ये बताओ रोड पे चल रहे हो रोड पे चलने का नाम आरोहण थोड़ी ना भगवान जी अंतर में ज्ञान में आरोहण कितना हो रहा है उसका नाम आरोहण है कितनी अंतर आत्मा की विशुद्धि बढ़ रही है कितना अंतर में आरोहण हो रहा है कैसा अंतर में आरोहण हो रहा है भगवान जी अंतर में कितनी सहज परिणति अपने स्वभाव की ओर ढल रही है चलिए तो आनंद आनंद आनंद, सहज आनंद में भैया आत्मा। बहुत, बहुत गहरा है चेतना आत्मा। ये क्रियाओं से निपलेगा यह मार्ग और ना बातें करने से ये उपदेश से भी नहीं पलेगा यह मार्ग तो मार्ग भैया उपदेश रास्ता है बस लेकिन भैया कायर तो बनेगा अपनी मानने से एक बार अंतर आत्मा से मान लो सही कह रहा है यदि एक भी व्यक्ति ने यह मान लिया कि मेरी आत्मा में आनंद है हृदय से स्वीकार कर लिया तो उसे आत्मा का चिंतन करने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा भैया आपने ये मान्यता कर ली कि परम सुख मेरी आत्मा में है मैं आत्मा परम सुख स्वरूप सुख ही मेरा स्वरूप है शाश्वत सुख ही मेरा स्वरूप है यदि अपन ऐसी मान्यता कर ली ना ये सुखी मेरा रूप है ऐसी मानता लेना भगवान आत्मा तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारे उपयोग को परोन्मुख नहीं कर सकती क्यों भैया ऐसा क्यों होगा क्यों होगा भैया कोई निमित्त आप पे प्रभाव नहीं डालेगा भैया क्यों क्योंकि आप अपने पुत्र को पुत्र मानते हो तो पुत्र के प्रति ममत उत्पन्न होता है सरल उदाहरण बिल्कुल आप अपने घर को अपना मानते हो तो घर के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है भैया और यदि घर में यदि पुत्र को पुत्र ना माना जाए कि मेरा पुत्र है यदि ना माना जाए तो लाखों बच्चे सामने से निकलते हैं सबके प्रति ममता का भाव क्यों नहीं होता करोड़ों घर बंगले सब कुछ सामने से निकलते हैं भैया उनके प्रति ममता का भाव क्यों नहीं होता महाकर्षण क्यों नहीं है महा आकर्षण इसलिए नहीं भैया क्योंकि वहां अपन कुछ मान नहीं रहे यहाँ संसार में सारे दुख मानताओं के हैं भैया वहाँ अपन कुछ मान नहीं रहा इसलिए कोई दुख नहीं है इसलिए भगवान आत्मा देखो परम आनंद चाहिए चाहिए परम सुख स्वभाव का चिंतवन करो तो चयन आनंद स्वभाव के चिंतवन में रत रहो और आनंदित रहो गुरुदेव की आज्ञा है कैसा गुरुदेव एक बार मान लो सच्ची निष्ठा से कि परम सुख का सागर अरे कसाए ये भाव ये पर्याय मुझे दुखी नहीं कर सकती परम सुख का सागर परम आनंद का दरिया मेरा वीतराग स्वभाव ज्ञानानंद स्वभावी में आत्मा यदि यह मानता तुम्हारे चित्त में बैठ गई तो इस उपयोग को कोई बाहर नहीं ले जा पाएगा चेतना क्यों क्योंकि उपयोग जिसे मानेगा उसे पकड़ के बैठ जाएगा ये निश्चय है ये निश्चय सत्य है भैया उपयोग जिसे अपना मानेगा उसे पकड़ के बैठ जाएगा ये सोच लो ना यदि उपयोग ने स्वभाव को अपना मान के इस स्वभाव को पकड़ लिया तो स्वभाव तो आनंद ज्ञान दर्शन वीर चारित्र चारित्रता चतुष्ट से भरा हुआ केवल ज्ञान की के अनुभूति भरी हुई है यदि उपयोग ने स्वभाव को अपना मान के स्वभाव की पकड़ कर ली स्वभाव की गहन निष्ठा में उतर गया उपयोग भगवान जी ये उपयोगी तो सदुपयोग रूप जगमगाता हुआ स्वर्ण के समान प्रकाशित उपयोग जगमगाता हुआ तुम्हें बीतराग तत्व का अनुभव कराएगा भगवान आत्मा बस गहन गहन इस गहन चिंतन के साथ चिदानंद के चिंतवन के साथ ये उपयोग अपनी आत्मा को पकड़ कर ले हुए। पकड़ जाए अर्थात निष्ठा करके बैठ जाए सोच लो भगवान जी संसार के पकड़ संसार को पकड़ के बैठे हो तो दुख पुत्र परिवार को पकड़ के बैठे हो तो दुख कले आ, आकुलता संसार की नाना प्रकार की पर्याय धाराओं को पकड़ के बैठे हो तो कलेश भगवान जी अपने अंतर आत्मा को पकड़ के बैठे हो अपने स्वभाव की मान्यता करके बैठे हो तो सुख हमने कल भी आपको अलग चिंतन सुनाया था बिल्कुल कल की चर्चा किसने सुनी दो चार बार सुनी नहीं सुनी एक आध बार सुनी नहीं सुनी, हमने सुनी। हुँ। हुँ। और भगवान आत्मा यदि यदि आपने कल की बात को यदि अंतर में चिंतन किया है भैया बार बार आपने अपने, अपने स्वभाव को पोषित किया है पर से भिन्द में आत्मा 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 यदि कल के चिंतन से यदि आपने अपना काम बनाया है तो वैराग्य को उत्पन्न करने वाला चिंतन है वो पढ़ से विमुख करने वाला दुखों से मुक्त करने वाला चिंतन है यदि आपने उस चिंतन को बार बार करा है तो फिर आपको पढ़ की पकड़ टूटनी चाहिए संयोग पकड़ टूटनी चाहिए संयोग की मानता टूटनी चाहिए संयोग इंद्रियों में सुख है ऐसी मानता अंदर से गलनी चाहिए और ये मानता आनी चाहिए भैया ये महत आना चाहिए कि हो परम आनंद अनंत चेतन सुख का सागर मेरा गायक तत्व भगवान आत्मा मेरी अंतर अनुभूति और मेरा अंतर ज्ञान मुझे बरत रहा है ऐसी सहज स्वीकार था भगवान आत्मा भगवान जी ज्ञान मार्ग है और इस ज्ञान मार्ग को उपलब्ध करने के लिए अपने ज्ञान में आनंद स्वभाव के अवलंबन लेना पड़ेगा ज्ञानियों का मार्ग है ज्ञान मार्ग है ज्ञान मार्ग की अनुभूति करने के लिए अपने को ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति करनी पड़ेगी इसके अलावा कोई उपाय नहीं है तो अपने लिए भैया आज के लिए बहुत विशेष बात यह है कि यदि आप वास्तव में चैतन्य के आनंद में उस सुख में सराबोर रहना चाहते हो सराबोर मतलब भैया सर्वांग से उस सुख का वेदन करना चाहते हो अर्थात सरावर मतलब होता है ज्ञान के आनंद से भरे पूरे रहना चाहते हो भरा पूरा स्वभाव सराबोर सर्व जैसे सकर में सराबोर है मिठास अर्थात सकर में चारों और मिठास मिठास है मिठास मिठास है मिठास मिठास और कुछ नहीं ऐसे भैया आत्मा में सर्वत्र आनंद है आनंद है आनंद है और आनंद के अलावा कुछ नहीं मान लोगे तो आज से वो आनंद अपना यदि ऐसी सच्ची मान्यता हो जाएगी ऐसी सच्ची श्रद्धा हो जाएगी तो आज से उस परम सुख के परम आनंद के अधिकारी अपन भैया यदि ऐसी मान्यता नहीं होगी ऐसी श्रद्धा नहीं होगी तो अनंत काल से उस सुख को उस आनंद को पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं भैया आज तक नहीं मिला वो मिलेगा भी नहीं सब मानता खेले जीवात्मा क्योंकि जैसा अपन मानेंगे वैसा परिणाम चलेगा भैया तो जैसी मान्यता करेंगे वैसा संयोग वैसा निमित्त वैसा परिणाम अपनी मान्यता क्या कह रही है भी? क्या मान रहे हैं अपन क्या है अपना स्वरूप क्या सोच रहे हैं अपन की क्या है अपनी शक्ति अपने को अपना स्वरूप अपनी शक्ति कहा अनुभव में आ रही है पुद्गल इंद्र विषयों में कसाय में वासनाओं में पाप में परिग्रह में कहा उपयोग जा रहा है और कैसी कैसी मान्यता कर रहा है जी सही सही बता दो कि इतने दिन से अमृत में गुरुदेव की कमल बत्ती जी का मान हो रहा भैया और कमल स्वभाव के अलावा आचार्य श्रीमा जिन तारण स्वामी कुछ कह नहीं रहा है एक ही एक बात कमल स्वभाव जीवात्मा तेरा गायक स्वभाव तेरे अंतर है तू कमल स्वभाव का धार ही भैया ज्ञान में तेरी सत्ता पर भाव से भिन्न है एक ही उपदेश दे रहा हैं चाहता स्वामी की तू ज्ञायक स्वभाव इन पर भाव से भिन्न है लेकिन भगवान आत्मा अपने को कहा मानता में आ रहा क्या मान रहे अपन? मानने की बात है भैया क्या मान रहे है अपन क्यों मान रहे हैं कैसे मान रहे है यदि अपनी मान्यता ही सम्यक्त हो जाए अपनी मान्यता ही सच्चिदानंद आनंद स्वरूप से जुड़ जाए तो फिर वो आनंद सहज है भैया तो कित, कितना महत्व है श्रद्धान का कितना महत्व है आपकी मान्यता का भैया हाँ, कितने बार अपन कहते हैं कि चेतना जिस वस्तु को महत्वपूर्ण करती है वहां आनंद मानती भैया आप जिस वस्तु को महत्वपूर्ण करोगे आपको आनंद नहीं आएगा भैया महत्वपूर्ण करने की बात है बस और भैया देखो तो अपन तीन लोग का नाथ अपना चेतन धन अपनी गायक सत्ता जो वास्तव में महत्वपूर्ण है अपने को उसका महत्व नहीं आ रहा और जो जड़ अचेतन भाव अपने कभी हो नहीं पाएंगे जिनके निमित्त से पुद्गल के निमित्त से हो रहा है कसाय आदि के सफा परिणाम यदि पुद्गल ना हो तो प्रभाव हो ही नहीं सकता तो पर के निमित्त से जो प्रभाव हो रहा है वो पर निमित्त है बस लेकिन पर के निमित्त से जो प्रभाव हो रहा है उस प्रभाव को अपना मानने में कितना आनंद आ रहा है कसाय को पाप को परिग्रह को झूठ को चोरी को मायाचारी को यहाँ अपन करने में कितना अच्छा लग रहा है स्वभाव को भैया चिदानंद आचार्य परमात्मा तारन स्वामी की वाणी चिंतवंदम चिंतव आनंद साव आनंदम और देखो गारंटी क्या ऐसा नहीं कह रहा हवा में तीर नहीं चला रहा है कह रहे ऐसे चैतन्य के आनंद में रत रहोगे तो कम मल पड़ी किपना सारे के सारे कर्मों की प्रकृतिया खिप जाएंगे भैया सारे के सारे कर्म मल खिप जाएंगे और जैसे आनंद स्वभाव में रहोगे रा, रा, भैया तो मंगल स्वभाव रहोगे तो सहजी अपना गायक स्वभाव का अनुभव मंगल स्वभाव की प्राप्ति सहज हो जाएगी भैया सारे कर्मों की अच्छी हो जाएंगी भैया बस चयन आनंद स्वभाव का चिंतन करके मंगल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो बहुमान तो आए तो भैया देखो रोज बात आके बहुमान पे क्यों अटक जाती है देखो ये बहुमान पे इसलिए अटक जाती है कि अपने को किसी दूसरे की वस्तु चोरी नहीं करना भैया ये जो आत्मा है या ये जो मोक्ष मार्ग है ये किसी से मांगने वाली वस्तु नहीं है ये किसी से मांगने से नहीं मिलने वाला भैया तो फिर कैसे मिलने वाला है ये मोक्ष मार्ग जो है ये जो आत्मा जो है ये अपनी स्वचेतन वस्तु है भैया अपने स्वरूप है तो इसको यदि आपको प्राप्त करना है तो ये धन दौलत से या बिनती से या अनुने से या किसी से पूछने से या बताने से नहीं मिलने वाली तो फिर ये आत्मा जब स्वयं ये आत्मा आत्मा होने का बहुमान करे अपने होने का गौरव करे अपने ही परिपूर्ण स्वभाव को स्वीकार करे तो ही आत्मा को आत्मा प्राप्त होने वाला है भैया अन्यथा इस जीव को इस आत्मा को आत्मा कभी मिलने वाला ही नहीं क्योंकि भैया आत्मा को आत्मा का अनुभव आत्मा की स्वयं आत्म महिमा करने से उत्पन्न होने वाला है इसलिए भैया आत्मा को अंध कोई ना बनाने वाला है ना आत्मा को अंध कोई मिटाने को वाला है ना आत्मा को उत्पन्न कर सकता है ना आत्मा को वे कर सकता है ना आत्मा का भैया उत्पाद ना वे कुछ भी नहीं क्यों नहीं है ना जन्म है ना मरण है कुछ भी क्यों नहीं है आत्मा एकदम स्वतंत्र स्वाधीन तत्व है भैया उसे प्राप्त करने के लिए आपको पर की जरा सी जरासी नहीं चाहिए एक क्षण के लिए भी पर की नहीं चाहिए भैया यदि पर की आई तो वो आत्मा का अनुभव वो नहीं होगा भैया तो अपने को सावधान होना भैया कहाँ सावधान होना भैया कि मैं अपने में क्या मान रहा हूं मेरी मान्यता क्या कह रही है मेरे अंतर का भाव क्या कह रहा भैया कि मैं तो आत्मा ना भैया बस सहज होने की बात है जितनी सहजता आएगी जितने सरल हो जाओगे जितने जागृत रहोगे भैया कुछ नहीं हो रहा सहज है एकदम सरल है उतना सरलता से अनुभव हो जाएगा भाई और जितना अपन कठोर बनेंगे भैया कि भैया कुछ करना है अरे अरे कुछ करना है अरे कुछ करना है अरे कुछ करना है अरे कुछ करना है जितना दिमाग में पागलपन आएगा ना करने का जितना दिमाग में पागलपन आएगा ना करने धरने का जितनी करने धरने की कर पर्यायों की ओर अपना रुझान जाएगा ना भैया उतना उलझन में आ जाएंगे भैया उतना अधिक उलझन में आ जाएंगे तो अपने को उलझनों से छूटना है भैया छुटेंगे उलझनों से, से भैया इन उलझनों से छुड़ाने वाला कौन है इन से बचाने एकमात्र का श्रद्धांता आपकी दृढ़ निष्ठा आपको इन सब पाप से मुक्त कर देगी देखो देखो आपको बहुत अच्छा विज्ञान बताते हैं बहुत शानदार विज्ञान बताते हैं क्या कि देखो जीव पाप कब तक, तक कर रहा है भैया जीप परिग्रह कब तक कर रहा है जीप कसाय कब तक कर रहा है जीप बासनाओं में कब तक भैया, जिस क्षण तक जीप की इन पे जब तक जीव इन्हें अपना मान रहा तब तक। और देखो जिस समय जीव इन्हें अपना मानना बंद कर देता है उस दिन से ज्ञानियों का पाप रूप आचरण होता है लेकिन भैया उनकी मान्यता उस पाप परिग्रह और कर्म धारा में ना होने से क्या होता है भैया वो उस पापाचार से पुण्याचार से शरीर के परिणाम से कर्म की धारा से सबसे भिन्न होते हैं भैया सबसे भिन्न होते हैं। कितना अच्छा कितना सरल एक मोक्ष का मार कितना सरल है भैया क्या सरल है भैया देखो करता हुआ परिणमन में जब तक कर्तापन भाषित हो रहा है होते हुए परिणाम में जब तक कर्तापना भाषित हो रहा है जब तक आपकी जिम्मेदारी भैया आपकी जिम्मेदारी मतलब मतलब आप अनंत संसार को बांधो और आप अनंत संसार को भोगो आप सारे पाप कर्म के फल भोगो भैया क्यों क्योंकि होते हुए को आप करता हुआ मान रहे तो सब कुछ आपके खाते में पर लेकिन भैया जिस दिन से पाप आचार और कर्म आदि जो उदय रूप चल रहे हैं इन होते हुए परिणाम में जुड़ान नमा रख के अपना ना मानो उस दिन से आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म कर्मों की सारा लोड आप पे से खत्म क्यों लोड खत्म भैया हम पे से अभी हमारे उद्यय में चल रहा है भगवान जी लोट तब तक था जब तक आप इसे अपना मान के इनसे जुड़े थे और भैया कैसे खत्म हो गया लोड उस दिन खत्म हो गया जिस दिन इनसे अपने टूट गया तो इनका वजन खत्म और इनसे जुड़ान भी छूट गया और जब इनसे जुड़ान छूट गया इनसे अपना छूट गया तो बस जय जय है आनंद ही आनंद है बात है अपने अंतर की मस्ती की बात है अंतर के बोध की बात है गायक स्वभाव के जागरण होने की बात है कि अपने अंदर जो प्रकाश है उसे कोई उकेर के बाहर निकाल ले बस भैया सम्यक मानता एक ऐसा बल है सुनो सावधान आत्मा अपनी अंतर की सम्यक मानता अपने अंतर का सम्यक प्रसार अपने अंतर की सम्यक श्रद्धा में त्रिकाली मात्र आत्मा हूं अपने अंतर आत्मा का ज्ञान विश्वास ये एक ऐसा बल है भगवान जी जो बड़े बड़े कर्मों के पहाड़ को तोड़ के महाभयानक भयानक अपराध को क्षण में नाश कर देगा भैया अरे तुम्हें तो इतना शन की महिमा आ जानी चाहिए भैया आप और हमको कि मात्र सम्यक सम्यक दर्शन होते ही अट्ठावन लाख योनि है आधे से ज्यादा संसार खत्म हो जाता है और भैया और यदि वो सम्यक दर्शन बना रहे नित्य तो जीव दो चार भाव में मोक्ष चला जाता है ये महिमा है अपने श्रद्धां की ये महिमा है अपने अंतर के जागरण की ये महिमा है चैतन्य को स्वीकार करने की जिसने हृदय से अपनी वीतराग शक्ति को स्वीकार किया है जिसने अंतर हृदय से अपने वीतराग स्वभाव को स्वीकार किया है जिसने अंतर हृदय से अपने वीतराग स्वामी को सत्ता को अंतर से माना है जिसने अंतर से महत्व दिया है अपने वीतराग गायक तत्व को भैया वो जीवात्मा इस संसार सागर से छूट गया भैया भी। और भैया देखो जो इस संसार में उलझ के अपनी स्व चैतन्य सत्ता को महत्व नहीं दे पाया जो में रथ होके अपने गायक तत्व को महत्वपूर्ण नहीं कर पाया वो यज्ञानी वही मूड़े है भैया यहाँ तो महत्व की बात है भगवान जी कि बहुमान किसके अंदर जागता है और ये बात अपन रोज करते हैं भगवान आत्मा तू तू परमात्मा तीन लोक का नाथ गायक प्रभु होते हुए भी तुझे अपने गायक होने का बोध नहीं बहुमान नहीं तुझे रुचि नहीं तू आनंद में नाश्ता नहीं कि ओहो, मुझे तीन लोग की संपदा मिल गई तुझे अपना परमात्मा मिलने का बहुमान नहीं है भैया और भैया मान लो अभी, अभी अपन तीर्थ बंदा करने जा रहे हैं अभी अल जा रहे हैं गुरु महाज के दर्शन करेंगे आगसोत जा रहे हैं चैत्यालय में स्थाप होगा फिर उसका कितना बहुमान आएगा कि गुरु महाराज से मिल लिए निशी चलेगा समाधि चलेगा गुरु का बहुमान तो हो नहीं चाहिए वो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन भगवान जी परम गुरु परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं गुरुव च परम गुरुवम ये धर्म में परम धर्म देव में परम देव ये परम जिन स्वभाव वित्राग शक्ति अपने अंदर बैठी हुई है भगवान आत्मा परम देव परमात्मा के होने का बहुमान नहीं तुझे ये महा आश्चर्य है जीप के पास कि स्वयं तीन लोग का नाथ है और लेकिन दूसरे को भगवान मान के पूछता है बहुत बड़ा आश्चर्य दुनिया का कि स्वयं तिलोकी नाथ है चिदानंद का स्वामी है ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं है तीन लोक सृष्टि का रचयता स्वयं है क्योंकि समस्त द्रव गुण पर्याय इसी के ज्ञान में झलक रहे हैं सारी प्रकृति इसके ज्ञान का ज्ञ है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है स्वयं है तो भगवान आत्मा स्वयं तिलोकीनाथ होने के बाद चैतन्य स्वामी होने के बाद आ करता ये वीतराग तत्व तीनों लोगों का नाथ होने के बाद भी आज देखो भगवानों को बाहर में भक्ति करने के लिए जा रहा है परमात्मा की भक्ति बाहर करने जा रहा है इसको अपने होने का बहुमान ना आना ये संसार का मूल कारण है लिख लो आज अपने मन में अपने हृदय में अपनी आत्मा में कि मुझे मेरे होने का विश्वास नहीं है यही यही दीनता यही हीनता है और यही संसार और जिस क्षण जिस घड़ी जिस सेकंड, जिस मिनट आपको अपने होने का बहुमान आ जाएगा जिस घड़ी जिस सेकंड आप अपने होने का बहुमान कर लोगे, जिस सेकंड आप आत्मा से पसंद हो जाओगे, उस सेकंड भैया संसार आपका छूट जाएगा एक सेकंड का संसार है वैसे तो एक समय का है एक समय पकड़ के बाहर है इसलिए एक सेकंड का संसार है भैया गुरु महाराज ने माला जी में कहा था कि मोक्ष मार्ग मुक्ति प्रवेश क्षण में कहते हम एक क्षण में मुक्ति प्राप्त होती है लेकिन किसको 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 जो सम्यक्त शुद्धम है जिसके हृदय में वो शुद्ध सम्यक्त रूपी महा रत्न जय धर्म लीना धर्म रूपी शक्ति जिसके हृदय में जागृत होती है गुण चैतन्यतम जो चेतन में वीतराग तत्व को जानते हैं वो 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 परम वीतराग तत्व को जानने वाले वे ज्ञानी क्षण मात्र में संसार को विलय कर देते हैं क्षण मात्र में छे कर देते हैं सब कुछ और भैया देखो नहीं तो आज पूरी दुनिया सब लोग भैया मोक्ष मार्ग के नाम पे मोक्ष जाना है मोक्ष जाना है हम मुक्ति को जाएंगे क्या कर रहे हैं क्रियाकांड कांड आडम्बर बाहर के उपद्रव कर रहे हैं भैया बाहर के उपद्रव करने की मनाही नहीं है बाहर के उपद्रव कर्म से हो रहे हैं उनसे भिन्न रहने की आज्ञा है भैया क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते रुचि 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 का परिणाम अपना पर में ना जाए भैया मानता महत्व अंतर की स्वीकारता आत्मा की शक्ति आत्मा की भक्ति में कोई अंतर नहीं आया भैया अंतर की शक्ति भक्ति बनी रहा है अपना गायक स्वरूप देखो 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 अपनी में आत्मा देखो, देखो, अपना निजनाथ गायक तत्व भगवान आत्मा देखो तो ये जो चहु और जगमगा रहा है, है तो ये अपना बीतरा परमात्मा ही तो है ये चारों ओर जो जगमग जगमग ज्योति में जगमगा रहा है ये चारों ओर जो ज्ञान में आनंद में रत है ज्ञान आनंद स्वभाव का जो उपभोग कर रहा है वितराग तत्व की जो आनंद की धारा में बह रहा है देखो वो अपने ही तो परमात्मा भी है अब यदि तुम इस परमात्मा को भूल के पर में लगते हो तो भैया गलती किसकी अपने में जो अपना है उसे सपना कहते हो तो भैया जो पर पराया है उसको कहते हो अपना तो अपने को सपना और सपने को अपना भैया ये उल्टी निद्रा जो मोहि की निद्रा की जो नींद लगी हुई है ये नींद ही ये मिथ्या मानता ही जीव का अनंत घोर संसार है और यहाँ से आप अपना उपयोग पलट दो अब एक सेकंड में आनंद आएगा भैया आपको चिदानंद चिंतमनम ये गाथा का रहस्य क्या है कि चेतनात्मा तो चिदानंद के चित्त चित्त के उपवन में अचेतन भाव की वृत्ति करके देखो चित्त मतलब क्या चित्त किसे कहते हैं भैया

इस चित्त में सारे चित्र बसे हैं भैया अब क्या करना है भैया आपको इन इस चित्त में जो चित्रों का चित्र जो चित्रों को चित्रित कर रहा है दर्पण की तरह इन पुद्गल वस्तुओं में एकत्व और अपनत बता रहा है इस चित्त में क्या करना है भैया अपने निराकार स्वरूप का, का चिंतन करना है बस ये चित्त दर्पण है भैया आप निराकार स्वभाव का चिंतन करोगे आप यहाँ निराकार स्वभाव की आस्था और धारणा को बनाओगे भैया कि मैं निराकार तत्व आत्मा हूँ इन पुद्गल अचेतन भाव से अलग हूँ इस चित्त में चैतन्य की धारणा बनाओगे निर्मल परिणामों का उदय आएगा तो ये चित्र रूपी दर्पण अपने चैतन्य चैत्यालय में अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराएगा भैया अपने ज्ञान आनंद का दर्शन कराएगा करायेगा आनंद तो चित्त में ही आना है ना वर्तमान भूमिका में संयोग कर्म दशा में हो तो वर्तमान में श्रावक दशा में आनंद तो चित्त में ही आएगा ना भैया तो उस आनंद को चित्त से निकाले कैसे चित्त में छुपा हुआ है बाहर कैसे उभर के, के आए चित्त में कैसे झलके भगवान जी बस उस गायक स्वभाव का चिंतन करो भैया यह है तारायण स्वामी का सरल उपदेश बिल्कुल सरल उपदेश कि जो वस्तु तुम्हें चाहिए उसका चिंतन करो भैया धन चाहिए धन का चिंतन करते हो जबकि पुण्य के उदय से आता है भोग चाहिए भोग का चिंतन करते हो भोग की वासना बढ़ाते हो चिंतन कर करके जबकि वो मिलता है वो अपनी योग्यता से जब उसके समय पे मिलना है तो अपन क्या करते हैं उसकी बढ़ाते हैं देखो देखो आपको दुकान चलाने जाना भी है भैया दुकान में लाभ फायदा हानि होना है तो क्या करते दिन भर दुकान दुकान की चिंता करते करते उसका अभिप्राय मजबूत करते हैं कि महा बैठने से रसाए देखो बहुत अच्छी बात बात बिल, बिल्कुल मार के की अंतिम बात है आज जल्दी छोड़ देंगे हम आपको ठीक है लास्ट बात है बहुत अच्छे से अपना चित्त लगा के समझो कि क्या है ये बात देखो भैया अपने को भूख कब करना है मान लो गुलाब जामुन खाना है कल सुबह तो क्या होगा भैया बनाना है कब आज शाम को अब चिंतन करना कब से चालू कर दिया अपने आज सुबह से शाम को गुलाब जामुन बनाना है गुलाब जामुन में ऐसा डालना है ऐसा करना है ऐसा करना है पूरी गुलाब जामुन की योजना बनाने लगे आप एक दिन पहले से शाम को बनाते बनाते उसका लक्ष्य और प्रगाढ़ हो गया भाई और अच्छा हो गया रात में बिल्कुल स्मृति करके सोए कि सुबह गल जाएंगे और सुबह गलेंगे तो सुबह गर्म करके उन्हें खाएंगे भैया पूरा लक्ष्य पूरा अभिप्राय पूरा प्रयोजन आपने गुलाब जामुन में लगा दिया जैसे दुकान का भी धन कमाने का, का भी किसी के किसी स्त्री भोग का आ, क्या बोलते हैं भोजन का या कुछ भी काम का विषय का कसाय का राग का किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो कसाय का भोग का हर चीज का एक अभिप्राय मन में बनाते हैं भैया हमें कल ये करना है रात में ये करना है तो क्या होता है वो लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य के अनुसार पूरी योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं के अनुसार फिर क्या करते हैं भैया उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं भैया और जब वो संयोग सामने आते हैं तब फिर वो जैसा लक्ष्य होता है वो निमित्त मिलते हैं तो फिर वैसा उत्साह होता है उन भोगों में विषयों में उस गुलाब जामुन में वैसा रस होता है गुलाब जामुन रस कहाँ से आया भैया वो जो योजना बनाई थी ना घंटों की गुलाब जामुन ने सुख माना था कि ना वो उस, उस योजना में उस मित्या मानता में उस अभिप्राय में बहुत मिठास है तो भगवान जी गुलाब जामुन मीठा थोड़ी था तुम्हारा तो दिमाग मीठा था इसलिए वो दिमाग में मिठास थी भगवान जी इसलिए भगवान आत्मा वो सारा का सारा काम अभिप्राय से होता है और जब तक ये अभिप्राय निर्मल नहीं होगा तब तक तब तक तब तक तुम्हें स्वभाव की अनुभूति नहीं होगी अपना लक्ष्य अपना अभिप्राय तो अपनी हो रहा है भगवान आत्मा जब तक भैया ये लक्ष्य नहीं बदल रहा जब तक जीव बिल्कुल बाहर की ओर दृष्टि करके रखा है भैया लक्ष्य 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 लक्ष। भगवान आत्मा ऐसे ही यदकाली आत्मा का आनंद चाहिए गायक तत्व परमात्मा त्रकाली शुद्ध आत्मा अपने चैतन्य ज्ञान घन पिंड जो अरस रूपी परमात्मा इसका इसका आनंद सही भी है जैसे गुलाब जामुन की दुकान की मकान की विषय की भोग की इच्छाओं की वासनाओं की जैसी इनकी लिस्ट चित्त में, में चलती है ना इनकी योजनाएं दिन भर चित्त में चलती हैं वैसे ही मैं गायक हूँ और मुझे शिवपुर का वासी हूँ मुझे पर जाना है वैसे मुझे समायिक करना है मुझे ध्यान करना है मुझे स्वभाव में लीन होना है शुद्ध की भावना सम्यक दर्शन की भावना अपने निर्विकल्प का वेदन करने की भावना दिन रात यदि आपका लक्ष्य संयम का और समायिक का साधना का और किसका भैया अपने स्वभाव के दर्शन करने का मैं स्वभाव ही हूँ मेजे अपने कल्याण करना है मुझे आत्मा का जो आचरण है उसे प्रकट करना है जिन भगवान की आज्ञा में चलना है ये दिन रात ये लक्ष्य बनाओगे ना भैया तो पांच मिनट के लिए प्रवचन सुनने बैठोगे डूब जाओगे दो मिनट के लिए आग बंद करके चाप करने बैठोगे घंटों नहीं बैठना पड़ेगा पांच मिनट के लिए बैठोगे और दो घंटे में बैठोगे पता लगा क्या हुआ दादा जी जो दिन भर तुमने खाना बनाया था ना खिचड़ी दिमाग में वो खिचड़ी के अनुसार तुम्हें फल मिला भैया भगवान जी ये बीरबल की खिचड़ी नहीं है कि ऊपर टांग दी और पक रही है जे जीप का स्वयं का मोक्ष मार्ग है जो प्रसाद करता है उसी को वो अनुभव में आता है भैया जो प्रसाद नहीं करता जो बातें जमाता उसके अनुभव में नहीं आता भैया ये बीरबल भी की खिचड़ी नहीं है या मोक्ष मार्ग कि वो पकी रही है सालों से हंडी पे ऊपर चढ़ी हुई है और आग नीचे चल रही है और टंगी हुई है सालों से पकेगी नहीं कभी ये अंतरात्मा का मार्ग है भगवान जी जहाँ दृष्टि रहेगी वही का काम चलेगा भैया कितना सरल कर दिया आचार्यों ने जिन तारन तारण स्वामी ने गुरुओं ने इस मार्ग को कितना सरल कर दिया कि भगवान जी जहाँ तेरी दृष्टि वहाँ तेरा काम तू जहाँ तेरा तेरा उपयोग जैसा तेरा निर्णय जैसी तेरी चिंतन जैसी तेरी भावधारा जैसा तेरा मन में भाव तो वैसा तेरा पूरा कल्याण का मार्ग तेरी दृष्टि अपनी ओर नहीं है तेरा चिंतन अपनी ओर नहीं है तेरी रुचि अपनी ओर नहीं है तेरा भाव अपनी ओर नहीं है तेरी स्वीकारता अपनी ओर नहीं है तेरा बहुमान अपनी ओर नहीं है तो इस सृष्टि की कोई ताकत तुझे तेरे मोक्ष मार्ग को चला नहीं सकती इस द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध है भगवान आत्मा कि तुझे तो ये तो होना है तो तुझे तो अपने ही आश्रय चाहिए तीन लोक में कोई दूसरा तुझे तो मुक्त नहीं कर सकता इतना दमदार मार्ग है ये बड़ा क्या कहें ये कहें स्वतंत्रता का उद्घोष कहें आत्मा का इतना विशाल और ब्राड बेभाव आत्मा की इतनी विराट शक्ति है स्वयं की दम है आत्मा की इतनी खुद की ये अपने लक्ष्य से आत्मा स्वयं अपने लक्ष्य से पार हो सकती है लेकिन भगवान जी इतनी सटीक इतनी साफ बात सुनने के बाद भी क्या अपने को उच्चदानंद चिंतवन की उच्चदानंद के चिंतवन करने की रुचि है भगवान आत्मा कुछ नहीं करना सिर्फ चिदानन्द का करना सिर्फ का बस इस समय मेरे लिए सदगुरुदेव की एक ही आज्ञा क्या क्या आज्ञा भैया कि हे भव्य आत्मा चिदानंद स्वभाव का चिंतन करो चिदानंद स्वभाव के आनंद में आत्मचिंतमन में रत रहो और चिदानंद के चिंतमन करके चैन आनंद स्वभाव में आनंदित होके और अपने कल्याण के मार्ग को मना लो भाई ऐसा तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान जी यदि आपके चित्त में भिज जाए कि वाह क्या आनंद की चर्चा है गुरुदेव का क्या सटीक मार्ग है कि चिदानंद का चिंतन करो और चैन आनंद के आनंद में डूब के अपने ज्ञान स्वभाव के आनंद में सराबोर हो जाओ भाई ऐसी स्वीकारता है अंतर चित्त में ऐसी महिमा है जिन भगवान के वचनों की क्या होगा भैया ऐसी महिमा आने से भगवान आत्मा जब ऐसी अंतर की महिमा आएगी हमने आपको पहले बताया कि चित्त एक दर्पण है भैया उसमें जैसा लक्ष्य बनाओगे जैसी महिमा करोगे जैसा बहुमान करोगे वो तो बेसर रस झलकाएगा भैया चित्त को कोई आत्मा से दुश्मनी थोड़ी ना है यह वर्तमान में ये चित्त है जो कर्म दे अंतराय कर्म आवरण के कारण से यहाँ पड़ा हुआ है तो इस चित्त को कोई आत्मा से दुश्मनी थोड़ी ना भी है आत्मा को आत्मा से दुश्मनी है यदि इस जीव को अपने स्वभाव का स्मरण नहीं आ रहा इसमें चित्त का क्या दोष चित्त में तो जो कर्म धारा है जो अनादिकाल से विकार भाव है जो बासनाए हैं जो व्यसन है वो झलक रहे हैं इसमें चित्त का क्या दोष जो जीव ने रुचि लगाई है जिस ज... जिसे जीव ने अपना माना है जिस और जीव का रुझान रहा है इस चित्त ने उस वस्तु को सामने ला खड़ा कर दिया इसमें चित्त का क्या दोष चित्त की मलिनता में चित्त का क्या दोष भैया चित्त तो मलिनता से ही प्रकट हुआ है ना यदि आत्मा मुक्त होती तो कहाँ प्रकट होता है ना भैया मुक्त नहीं है संयोगी दशा में इसलिए है चित्त जो कर्म आवरण है इसलिए तो चित्त है भैया नहीं होता तो को होता लेकिन भैया चित्त कर्म आवरण से यह बात तो सही है लेकिन उस कर्म आवरण के साथ चित्त के साथ वो चेतना ही तो है ज्ञान ही तो है उसकी उसको क्यों भूल रहा कर्म आवरण कर्म आवरण ही क्यों क्यों देख रहा हो निरावरण निरावरण भी जो है उसके साथ वो क्यों नहीं दिख रहा क्या चाहते हैं मोक्ष कैसे होगा क्या भैया यही तो नहीं पता तो बस पता हो करना है भैया तो अपने चित्त में विशुद्धि का मार्ग बढ़ाओ अभिप्राय को निरंतर मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए संलग्न कर दो भैया संकल्प ले लो भगवान जी क्या एन केन प्रकरण कैसे भी करके क्या करना है अपने स्वभाव का चिंतन अंतिम लास्ट बात इसके बाद अपन भैया आज की सभा को ही समाप्त कर रहे हैं अब भैया लेंगे दस बारह मिनट बचा हुआ समय अब हम आपको यहीं छोड़ रहे हैं एक संकल्प के साथ कि अपना जीवन चैतन्य के आनंद के चिंतन के लिए है अपना जीवन अपने सुख के लिए है अपना जीवन अपने कल्याण के लिए है यदि अपने जीवन में अपना कल्याण करना है अपने सुख में रति होना है अपने आनंद में रति होना है तो भव्य आत्मा छिदानंद का चिंतन कर लो बस चिंतवन की धारा बढ़ जाए ऐसे आनंद के चिंतन से ऐसे आनंद के रस से अपने आप को अनुभव कर लो अपने आप की अनुभूति में अपने आप का कल्याण का मार्ग बना लो भैया यही तारण स्वामी का उपदेश है अपने जीवन में एक लक्ष्य रहे अपने जीवन में एक की शिकारता रहे अपने जीवन में एक का अनुभव रहे भैया इससे ही अपना कल्याण होगा बोलिया संत तारण तिरमंडलाचार्य जी महाराज की जय जय नमोस्तु